एक गांव में कन्नाडे नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो अपनी पूरी जायदाद को बेचकर कई सालों तक मेहनत करके एक दवाई का आविष्कार करता है। उस दवा को एक स्प्रे बॉटल में भरकर अपने नौकर छोटू के पैरों पे स्प्रे मारता है। बस उसके पैर बहुत लंबे होते हैं। सर ये क्या है सर, अगर कोई मुझे देख लिया तो मुझे भूत समझेगा सर। तुम घबराओ मत रे, कहकर फिर से उसके पैरों पे स्प्रे मारा। बस उसके पैर साधारण पैरों में बदल गए। या सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, मेरे कई सालों का सपना अब सच हो गया है, कहकर तुरंत नोबल प्राइज चेयरमैन डिविलर्स को फोन करता है। उसे अपने आविष्कार के बारे में समझाता है। व्हाट इज दिस मिस्टर कन्नाडे, ऐसा एक बेकार दवा तैयार करने के लिए तुम इतने साल वेस्ट किए। तुम्हारी दवा किसी काम की नहीं है और ऊपर से उसके वजह से लोगों का हुलिया भी बिगड़ सकता है। ये नेचर के खिलाफ है, हम ऐसे दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर इस दवाई के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगाया था सर, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है सर, अब मैं क्या करूँ सर। तुम्हारे मर्जी आए जैसे करो, कहकर फोन रख दिया। कन्नाडे रात भर बिना सोए उदास होकर बैठा हुआ था। सुबह सुबह उसे एक उपाय सूझी। वो तुरंत छोटू को बुलाकर, रे उन्होंने मेरी दवाई को बेकार कहा था ना, ये किसी काम की नहीं है कहा था ना, ठीक है मैं ही इसका इस्तेमाल करके जो पैसे मैंने खोया था उन्हें कमाऊंगा, देखते रहो। वो कैसे साहब? देखते रहो रे, तुम्हें पता चलेगा। अगले दिन कन्नाडे एक बैंक को गया और कैश काउंटर के पास खड़ा हो गया। सर लगता है आपको मैनेजर जी बुला रहे हैं, एक बार जाकर देखिए। कैशियर उठकर चला गया। तभी कन्नाडे बिना देरी किए अपने हाथ पे स्प्रे मारा। बस उसका हाथ बहुत लंबा हो गया। उस हाथ को काउंटर के अंदर डालकर काउंटर में रखे पैसे चुरा लिया। फिर से स्प्रे मारते ही उसका हाथ मामूली हाथ में बदल गया। कैशियर के आते ही वही पैसे लेकर कैशियर को अपने अकाउंट में डालने के लिए कहा। ये सब देख रहा छोटू दंग रह गया। बाहर आने के बाद, ये क्या है सर, आप चोर बन गए हो क्या? मैं नहीं बना रे, ये समाज ने मुझे चोर बनाया है, अब मैंने जो भी किया था वो सिर्फ एक सैंपल था, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। बस छोटू डरने लगा। एक दिन कन्नाडे और छोटू होटल को गए। कन्नाडे अपने हाथ को लंबा करके बगल के टेबल पे रखे चिकन लेग पीस चुरा लिया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। बापरे लगता है ये पागल हो गया है, सोचा। एक दिन कन्नाडे छोटू को बुलाकर, रे पता चला है कि कल हमारे गांव में एक बड़ा चोरों का गुंप आने वाला है, वो बैंक को लूटकर उन पैसों को एक ट्रैक्टर में ले जाने वाले हैं, हमें उन पैसों को चुराना होगा, तुम भी एक ट्रैक्टर को तैयार रखो। ये सब आपको कैसे पता चला सर? मैं एक साइंटिस्ट हूँ रे, सेल टावर्स के सिग्नल्स को टैप करके गांव वालों के बातें सुन रहा था, उन चोरों का नायक इस गांव के चोर से ये सब प्लान समझाया, मेरे कहे जैसे करो। उसी रात वो चोर बहुत मेहनत करके बैंक लूटे और सारे पैसों को एक ट्रैक्टर पे चढ़ाए। वो लोग आगे ट्रैक्टर में जाने लगे तो तभी कन्नाडे अपने हाथों पे स्प्रे मारकर अपने हाथों को बहुत लंबा करके उन पैसों की तरफ हाथ बढ़ाया और पैसे चुरा लिया। बाद में उन्हें अपने ट्रैक्टर में डालने लगा। ऐसे उस ट्रैक्टर में के सारे पैसे चुरा कर अपने ट्रैक्टर में भरने लगा। अब उसका ट्रैक्टर पैसों से भर गया। कन्नाडे अपना ट्रैक्टर चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। इतने में पुलिस वाले उसके सामने आकर उसे रोके और कन्नाडे को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाले। क्यों भाई, तुम्हें दिमाग है कि नहीं? तुम्हारे दवाई के लिए नोबल प्राइज नहीं मिला है कहकर चोर बनोगे क्या? हमें वर्ल्ड कप नहीं मिला है कहकर हम उसे चोरी तो नहीं करेंगे ना? कम से कम इस जेल से बाहर आने के बाद अच्छे अच्छे आविष्कार करो, ऐसे बेकार की दवाइयों का आविष्कार मत करो, समझ आया क्या? कन्नाडे अपना सर झुका लिया।